क्रिया शब्द की उत्पत्ति क्री धातु से हुई है जिसका अर्थ है कुछ करना या कुछ किया जाना। व्याकरण की दृष्टि से क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है, जैसे हंसना, खेलना, लिखना, दौड़ना, सोना आदि। ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। किसी भी कार्य के दो रूप होते हैं। कार्य या तो स्वयं होता है या फिर किया जाता है। जैसे वृक्ष गिर गया, यानी किसी व्यक्ति ने नहीं गिराया, वह स्वयं गिर गया। इस वाक्य में कार्य स्वयं हुआ है, किंतु जब हम ऐसा करते हैं कि वृक्ष गिरा दिया गया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष को गिराने का कार्य किसी के द्वारा किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्य के होने या किए जाने को क्रिया कहते